हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, आपका कार ट्रेनर। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम यह जांच कर सकते हैं कि कार में कोई खराबी तो नहीं। अगर आप लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो, मान लो कि आप जा रहे हो दिल्ली से बॉम्बे अपनी कार पे, तो बहुत सारी चीजें आपको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कार आपको धोखा दे सकती है यदि आपने अच्छी तरह से चेकिंग नहीं की है। इसमें कार की गलती नहीं है, गलती आपकी है। मेरे साथ भी बहुत चीजें ऐसी हुई हैं तथा बहुत बार मैं परेशान हुआ हूं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो कंटेंट बनना चाहिए जिससे सभी कुछ आ जाए उसमें। तो जैसे ही आप मान लो कि तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसकी रिपेयर कराइए, उसको सर्विस सेंटर ले जाइए। उसमें से सबसे पहले आप उसका ना जो ऑयल है ना, वो चेंज करा लीजिए। उससे क्या है, इंजन मजबूत हो जाता है जब उसमें नया ऑयल डलता है। उसके बाद जो आपके कार एयर फिल्टर है वो चेंज करा लीजिए, उसमें और ज्यादा जान आ जाएगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइपर्स देख लीजिए। साथ में जो स्प्रे करते हैं ये प्रॉपर चलती है, हो सकता है रास्ते में बरसात हो जाए। अगर ये काम नहीं कर रहे तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर पहले से ही जो बरसात का पानी शीशे में आता है उसको साफ हो जाए वाइपर से, और पानी की सप्लाई अच्छी हो प्रेशर से, जिस स्प्रे होता है ये बटन यहां लगा होता है, तो एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर यह बहुत ही आवश्यक है। अब चौथा नंबर है टायर, आप उसकी हवा चेक कर लीजिए। ये भी देख लीजिए कि इसकी उम्र खत्म तो नहीं हो गई। यदि आपको लगता है कि हवा कम है तो हवा सही कर लीजिए, ज्यादा है तो कम कर लीजिए। इसके अलावा पांचवा जो नंबर है, बैटरी। एक बार ऐसा हुआ, मेरी कार में बैटरी डेड हो गई थी। मुझे पता था, फिर मैं गया तो रास्ते में कार स्टार्ट ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जो धक्का लगा दे, तो बहुत मुश्किल हो गई। बहुत देर के बाद कोई व्यक्ति आया, उसने धक्का लगाया। तो बैटरी ओके होनी चाहिए, फुल चार्ज होनी चाहिए। यदि चार्ज नहीं होती है तो एक इक्विपमेंट है वो खराब हो गया, जिससे जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल इंजन में जाता है, उसके बाद वो इस बैटरी को चार्ज करता है। पंजाबी में उसको कहने हैं कुग्गी। वो जो खराब हो गई है तो उसको ठीक करा लीजिए, नहीं डाल दीजिए घुग्गी। उसके बाद कार को आपको धो देना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए। यह छीमा पॉइंट है, शीशे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। पुराने शीशे लगे हो, नए शीशे लगवा लो, क्योंकि अंधेरे में शीशे से दिखता नहीं है। सातवीं चीज है आपकी स्टीयरिंग, क्या स्टीयरिंग ठीक घूमती है। घुमा के देखो, इधर भी हो सकता है। मैंने आप कार घर में खड़ी हो, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा सिग्नल टूल ठीक काम करते हैं। आप राइट साइड घुमाते हो तो गाड़ी एक बटन दिखाता है कि ब्लिंक करता है कि राइट साइड घूमने वाले हैं, या लेफ्ट साइड को आप सिग्नल जो टूल को ऊपर करते हो तो लेफ्ट साइड का पीछे सिग्नल दिखाता है, क्योंकि आप रास्ते में जा रहे हो, ये टूल यूज नहीं हो रहे, बटन नहीं, लाइट नहीं चल रही, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये आठवां पॉइंट हो गया। आपके कार के पीछे किट लगी होनी चाहिए, किट की टैग खोला जा सके अगर उसमें पंचर हो गया है तो रास्ते में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज है, दसवां पॉइंट कह सकते हैं, मेडिकल किट होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है तो फर्स्ट एड की पट्टी है। इसके अलावा सरसों का तेल, हल्दी होनी चाहिए, ताकि फर्स्ट एड में कोई भी चोट लगी है तो उसको बांधा जा सके डॉक्टर तक पहुंचने से पहले। ओके, तो 10 चीजें आपने नोट करनी है, कर लीजिए।
सर्विस सेंटर पे जाइए, चेंज द ऑयल, एक बार मैकेनिक को अपनी गाड़ी दिखाइए। नंबर दो चेक कार एयर फिल्टर। नंबर तीन चेक वाइपर्स। साथ में साथ ये भी देखना है कि अगर गाड़ी धुआं निकालती है, यहां से बहुत सारा धुआं निकलता है, इसका मतलब इसकी इंजन की भी सर्विस करने वाली है, तो इंजन की सर्विस भी करा लीजिए, काला सा धुआं निकलता है। ठीक, इसके अलावा चौथा है पॉइंट चेक द टायर्स, टायर चेक कराइए, चेक द बैटरी, क्लीन द कार, और सातवां है चेक द स्टीयरिंग, चेक द सिग्नल टूल्स, रिपेयर किट, मेडिकल किट। तो ये 10 पॉइंट हैं, आपको नोट करना बहुत आवश्यक है, अपनी डायरी में, अपने मोबाइल्स में इन 10 पॉइंटों को नोट कीजिए, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो ये आपको पता होने चाहिए और इसको यूज किया जाना चाहिए। इसमें आपको केयरफुल रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी भी निगलेंस या अनहोनी या नेग्लिजेंस आपको नुकसान दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करोगे, इसके प्रति लापरवाह नहीं आप होना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू।